Я, короче, пока лут-лут. खुशी का मुकाम है कि आज असेंबली इलेक्शन 10 साल के बाद हुए और जिस तरीके से हमारे नौजवान बुजुर्ग हमारी माएं बहनें आज वोट डालने के लिए निकले हैं और जो रश था 70 सालों के बाद पहली बार देखा है, जिस तरीके से आवाम ने आज भरोसा किया है जमहूरियत पे, ये सबसे बेहतरीन आज जो आवाम को आज लग रहा है कि जमहूरियत है। और जो वजीर आजम ही नरेंद्र मोदी जी साहब ने जम्मू कश्मीर में अमन लाया है, आज हर एक के जबान पे है कि हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वोट हमने दे दिया, जमहूरियत है, कैंडिडेट हमारा है। 8 तारीख के बाद आपको मालूम होगा जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और वजीर आला भारतीय जनता पार्टी। नहीं, ऐसा नहीं है, पार्टी ने कुछ फैसले ले लिए हैं, ये महत्वपूर्ण फैसले हैं। पहले तो हम नहीं कह सकते हैं, 8 तारीख के बाद आपको खुद मालूम होगा कि जब सरकार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी और कौन कौन लीडर भारतीय जनता पार्टी के वहां पे गोद में होगा। हमारे बहुत सारे उम्मीदवार है, बहुत सारे कैंडिडेट्स है, सरकार भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी। अगर हमने कश्मीर में कहीं सीटों पे लड़ा है तो कुछ सोच समझ के ही भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया। नहीं, हमारी बातचीत तो ये तो पहले तय होता है, तभी तो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, पहले तय है। और अभी कह नहीं सकते हैं, 8 तारीख के बाद पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम को पता चल जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है। एक्चुअली करना में था, हमारा कैंडिडेट है वहां, हांदवारा में कैंडिडेट था, मैं पोलिंग बूथों पे गया था चेक के लिए और हमारे जो पोलिंग एजेंट्स वहां पे काम कर रहे थे, मैं बिजी रहा दिन में, तो अभी मौका मिला तो मैंने अपना वोट